करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जिंदगी के कॉरिडोर की। जी हाँ, इंदौर से बड़ी खबर, जहां इंदौर में करीब करीब 2 साल बाद यानी 23 महीने बाद एक बार फिर आज ग्रीन कॉरिडोर बनने जा रहा है। इंदौर से भोपाल तक पहली बार ग्रीन कॉरिडोर बनेगा आज, जहां 200 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय किया जाएगा इस ग्रीन कॉरिडोर में। इंदौर में 40वां ग्रीन कॉरिडोर आज गुरुवार को बनेगा। जोईथराम हॉस्पिटल से भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में लीवर भेजा जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। खासतौर पर इंदौर, देवास, सीहोर, आष्टा, ये तमाम वो जगह है जहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। खास बात ये रहेगी कि जल्द से जल्द इस लीवर को जितना जल्द से जल्द इंदौर के जोईथराम हॉस्पिटल से बंसल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ये मकसद रहेगा। टोल टैक्स पर एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। डॉक्टर संगीता पाटिल का लिवर ट्रांसप्लांट होगा। 40वां ग्रीन कॉरिडोर इंदौर में आज बनेगा पूरे 23 महीने बाद, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई। पिछले 2 दिनों से प्रयास हमारे सभी साथी लोग कर रहे थे, परिवार वालों ने सहमति दी और उसमें लीवर, आंखें, स्किन और किडनी, 4 महत्वपूर्ण अंग उन्होंने डोनेट किए हैं। यहाँ से भोपाल भी अंग जा रहे हैं और बाकी यहाँ पर होंगे। मध्य भारत के सबसे बड़े अस्पताल बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी सबसे बड़ा और सफल केंद्र बनता जा रहा है। इंदौर के चोईथराम अस्पताल से लिवर भोपाल के बंसल हॉस्पिटल लाया जाएगा। बंसल हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटो पेनक्रिएटो बिलियरी सर्जन डॉक्टर गुरसागर सिंह सहूता के नेतृत्व में किया जाएगा। चालीसवां ग्रीन कॉरिडोर रहेगा इंदौर में बनने जा रहा है। 23 महीने बाद एक बार फिर इंदौर से भोपाल के लिए ग्रीन कॉरिडोर होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश का नक्शा आप देख रहे हैं और इंदौर, भोपाल, ये मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर हैं। एक तरफ राजधानी भोपाल, जहां पर ये लीवर आएगा आर्थिक राजधानी इंदौर से, और ये फासला करीब 220 किलोमीटर से भी ज्यादा का होगा और करीब करीब 2.5 से 3 घंटे वक्त बताया जा रहा है जिसके भीतर लीवर को लाया जाएगा एम्बुलेंस की मदद से। इंदौर से ये लीवर भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में लाया जाएगा। 40वां ग्रीन कॉरिडोर आज 23 महीने बाद बनने जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुख करेंगे इंदौर से। हमारी संवाददाता पीयूष पारेखा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, कितना वक्त लगेगा, क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल, डॉक्टरों की टीम फिलहाल इंदौर के चोईथराम अस्पताल में ऑपरेशन कर रही है और जिस तरीके से डॉक्टर संगीता पाटिल जो है उनका ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, ऑर्गन्स यहाँ पर निकालने का काम फिलहाल जारी है। लगातार डॉक्टरों की टीम से जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक, चूंकि ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल है, लीवर यहाँ पर निकालना है, किडनी निकालना है और आइस यहाँ पर जो आंखें हैं उन्हें भी निकालना है, ऐसे में ये ऑपरेशन काफ़ी क्रिटिकल होता है। इंदौर की बात करें तो चोईथराम अस्पताल के जो एक्सपर्ट्स हैं, 2 डॉक्टरों की टीम इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है और साथ में जो बंसल हॉस्पिटल है उसके भी डॉक्टर सर्जन जो हैं वो इस वक्त जो है वो ओटी में मौजूद हैं। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हलचलें लगातार तेज हैं और कुछ ही देर में जो डॉक्टर्स के इनपुट्स हमें मिले हैं दीपक, उसके मुताबिक कुछ ही देर में यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर आएंगे और बड़ी तेजी के साथ में कहा जा सकता है कि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए राजधानी भोपाल तक इन ऑर्गन्स को पहुँचाया जाएगा। 2 ग्रीन कॉरिडोर बनना है, चूँकि इंदौर के CHL हॉस्पिटल्स भी ऑर्गन जाएंगे, उसके साथ में जो लीवर है वो यहाँ पर राजधानी भोपाल भेजा जाएगा। लगातार जो पुलिस महकमे की टीम है वो भी जुटी हुई है, बंसल हॉस्पिटल्स के जो तमाम सर्जन हैं वो भी इसमें जुटे हुए हैं। सफल ऑपरेशन होगा इस बात की उम्मीदें की जा सकती है, क्योंकि इंदौर में जो यहाँ पर ऑपरेशंस इससे पहले ग्रीन कॉरिडोर के लिए हुए थे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन के हों या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हों, वो तमाम ऑपरेशन भी सफल हुए हैं। लिहाजा यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में ये ऑपरेशन सफल होगा और उसके बाद में जो एक जिंदगी बचाने की जंग है दीपक, उसमें एक बड़ी कामयाबी वहां पर मिलेगी। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये एम्बुलेंस है बंसल हॉस्पिटल्स की और ये बंसल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस के जरिए ही यहाँ से सीधे तौर पर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए
ऑर्गन को भोपाल ले जाया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार है, ऑपरेशन सफल होगा और उसके साथ में डॉक्टर्स की जो मेहनत है वो भी यहाँ पर रंग लाएगी और जिंदगी बचाने की जंग भी यहाँ पर कामयाब होगी। आप नजरें बनाए रखिए पीयूष, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।